चाहते हैं। पिछले दो साल में सरकार से इस कृषि विज्ञान केंद्र को 2 करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन इस इमारत में कमला नेहरू इंस्टीट्यूट चलता है। यहाँ तक कि कृषि विज्ञान केंद्र और कमला नेहरू ट्रस्ट के खर्च का हिसाब एक ही बही खाते में दर्ज किया जाता है। अकाउंट सेक्शन पूरे कमला नेहरू ग्रुप का भैया एक साथ है, कृषि विज्ञान केंद्र का कृषि विज्ञान केंद्र का अलग है। अभी तो आप कह रहे अकाउंट, हाँ अकाउंट सेक्शन कम्बाइंड है, सेक्शन जो है पूरा कम्बाइंड है। यहाँ किसानों को खेती की जानकारी देने के बजाय MBA, BEd और कंप्यूटर कोर्स कराए जाते हैं। छात्रों से मोटी रकम तो वसूली जाती है, सरकार से भी कृषि विज्ञान केंद्र के नाम पर मोटा पैसा लिया जाता है। दीवारों पर इन सारे कोर्सेज के इश्तेहार खुलेआम लगे थे, लेकिन मीडिया की खबर लगते ही इन्हें हटा दिया गया। इतना ही नहीं, इस केंद्र में एक स्कूल भी चलता है, यानी जो पैसे किसानों की बेहतरी के लिए खर्च होने थे उसका खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। अब देखिए हरियाणा के रेवाड़ी में कृषि विकास केंद्र की बदहाली। इस केंद्र का काम भगवत भक्ति आश्रम नाम का NGO देखता है। इस NGO के संचालक हैं राजा साहब के नाम से मशहूर राव वीरेंद्र सिंह। वो अब भी कृषि विज्ञान केंद्र की साइंटिफिक एडवाइजरी के चेयरमैन हैं। लेकिन सालों पहले बने इस केंद्र में आज भी सुविधाओं का अकाल है। ये जहाँ तक ये क्या नाम है रामपुरा में जो कृषि विकास केंद्र है, यहाँ इसका तालुकात है, इसका हमारे उस एरिया में तो मेरे ख्याल में कोई फायदा है ना मिल नहीं रहा है। आसपास के गांव का तो ये उठा रहे हैं फायदा, लेकिन उधर जो है ना कोई ऐसा इनका न तो इनका कोई मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट वहाँ जाता है या ना ये अधिकारीगढ़ जाते हैं। बिहार के खगड़िया में कृषि विज्ञान केंद्र का हाल तो और भी बुरा है। इस केंद्र का संचालन करती है चारवाक सोशियो इको डेवलपमेंट नाम की संस्था। इसकी अध्यक्षा है खगड़िया की MLA रेणु सिंह। हैरानी की बात है कि सरकारी कागजों में कृषि विज्ञान केंद्र का जो पता दिया गया है वहाँ पर रेणु सिंह का घर है। इस केंद्र को 2 साल में करीब 1 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र के निर्माण के लिए एक ईंट भी नहीं दिख रही। यहाँ तक कि इस केंद्र में काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारी रेणु सिंह के रिश्तेदार हैं। त्रिभुवन भास्कर जो मैडम रेणु कुमारी के मामा का लड़का है, एक अश्वनी कुमार है जो मैडम के बहन का लड़का है, और एक जो मैडम का निजी ड्राइवर है जिसका नाम है नरेश शाह, वो भी वहाँ से वेतन उठाता है, और एक जो ड्राइवर है दूसरा वो भी वहाँ से 200 रुपये महीने के हिसाब से साइन करके चला जाता है, बाकी वेतन वहाँ से लेता KVK से, जबकि वहाँ पे नौकरी नहीं करता है। हर कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए सरकार 2 करोड़ रुपए खर्च करती है। इसके अलावा हर साल करोड़ों रुपए इन संस्थाओं पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन इनमें से कई केंद्र लूट के अड्डे बन चुके हैं। और अभी हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद करेंगे कुछ और रसूखदार लोगों का पर्दाफाश। अब किसी भी संघ के अधिकारी नाम लीजिए, सब मुझको जानते हैं, देशभक्त। 200 रुपए महीने के हिसाब से साइन करके चला जाता है, बाकी वेतन वहां से लेता KVK से।